वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे ऑलरेडी डिस्कस्ड हिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड कंप्यूटर साइंस एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पॉलिटिक पॉलिटी के 2020 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है थ्री क्वेश्चन वेरी लेस ठीक है बट एक्सपेक्टेशन पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज्यादा होती है बट दो में काफी कम आए बट ये मत सपोज करके चलिएगा पॉलिटी uh, को इग्नोर करके मत चलिएगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि पिछली बार तीन आए हैं तो इस बार भी तीन ही आएंगे डेफिनेटली इट कैन इंक्रीज अप टू टेन फिफ्टीन तक भी जा सकता है ओके okay? क्योंकि हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चन uh, देखो आ गए थे पंद्रह क्वेश्चन अराउंड हिस्ट्री के आ गए थे दो के मुकाबले अकाउंट्स के क्वेश्चन भी अच्छे थे सो नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी कैन डेफिनेटली इंक्रीज और तीन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर अच्छे से सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ कमिटी ऑन एस्टिमेट्स कमिटी ऑन एस्टिमेट्स से रिलेटेड मैंडेट आपको पूछा है पार्लियामेंट्री कमिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जरूर कवर करके जाइएगा क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर से तो ऑप्शन ए कहता है कि इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स मे बी इफेक्टेड तो बेसिकली कैसे इकोनॉमिकल ज्यादा हो सकता है एफिशियंसी इंप्रूव कैसे की जा सकती है स्क्रुटिनाइजे अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बी कहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है और वेदर पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर रनिंग एफिशिएंटली डी कहता है इट बिल ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट तो आपको यहां पर आंसर देना है कि कमिटी ऑन एस्टिमेट क्या करता है तो सबसे पहले तो कमिटी ऑन एस्टिमेट्स जो का मेन मैंडेट है दोस्तों वो बेसिकली है कि कैसे इकोनॉमी को इंप्रूव किया जाए एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए एंड उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर ये सजेशंस देता है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बट अब ये सेम क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता था फॉर एग्जाम्पल मैं कमिटी ऑन एस्टीमेट्स की जगह यहां पर लिख देता पब्लिक अकाउंट कमिटी ठीक है तो आंसर बदल जाता आपका फिर आपका आंसर ए ना होता क्योंकि जो स्क्रूटिनाइजेशन की बात हो रही है अप्रोप्रिएशन की और फाइनेंस अकाउंट्स की ठीक है तो वो बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है साथ ही साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को भी कौन एग्जामिन uh, करता है पब्लिक अकाउंट करती है ओके okay? और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड बिल्स को एग्जामिन कौन करता है वो कमिटी ऑन पिटिशन करती है तो यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल कमिटी ऑन पिटिशन लिख देता वो तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता यहां पर अगर कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट कमिटी लिख देता तो बी एंड सी आपका आंसर हो जाता तो डेफिनेटली कमिटीज जो जो काम कर रही हैं वो आपको पता होना चाहिए अब ये सारी कमिटीज को तो मैं यहां पर अभी डिस्कस नहीं करूंगा लेकिन आपके साथ कमिटी ऑन एस्टिमेट्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो एस्टिमेट्स कमिटी का ओरिजिन प्री इंडिपेंडेंस है स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के टाइम में जिसको पहली बार 1921 ट्वेंटी वन में सेटअप किया गया था सो इट वाज मोर और लेस सेम काम करती थी जो एस्टिमेट्स कमिटी करती है

पार्लियामेंट्री कमिटीज में सबसे बड़ी कमेटी है सबसे ज्यादा मेंबर्स अगर किसी कमेटी में है तो वो एस्टिमेट्स कमेटी में है ये पॉइंट ध्यान में रखना है वो पूछ लेते हैं पेपर के अंदर कि बिगेस्ट तो एस्टिमेट्स कमेटी है सारे के सारे जो तीस के तीस मेंबर हैं वो लोकसभा से होंगे जनरली अगर जैसे आप पब्लिक अकाउंट कमेटी देखोगे या कोई और कमेटी देखोगे उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राज्यसभा की कोई भी रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है कमिटी के मेंबर्स को इलेक्ट कैसे किया जाता है लोकसभा के मेंबर्स में से आपस में से इलेक्ट किया जाता है हर साल होता है ओके एंड इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड फॉलो होता है ताकि जो भी पार्टीज हैं लोकसभा के अंदर सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेशन उसमें मिल आ सके एक साल का टर्म ऑफिस होता है क्योंकि हर साल इलेक्शन होगा मिनिस्टर को आप कमेटी का मेंबर नहीं इलेक्ट कर सकते जो तो जो मिनिस्टर्स हैं सरकार के वो एलिजिबल नहीं है टू बिकम अ मेंबर चेयरमैन जो होगा कमेटी का उसको अपॉइंट स्पीकर करेगा जो थर्टी हैं बेसिकली उन्हीं में से एक को चुन करके चेयरमैन बनाया जाएगा कमेटी का फंक्शंस क्या है कमेटी के जो भी एस्टिमेट्स हैं बजट के अंदर और पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कैसे इकोनॉमिकल हुआ जा सकता है वो सजेशन देना कमेटी का मेन काम है एंड इसी वजह से इसको कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी कहा जाता है क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है ना ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर नजर रखना और उससे रिलेटेड इकोनॉमी सजेस्ट करना डिटेल में अगर हम फंक्शंस की बात करें सो so डिटेल में द दमिटी विल रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स कैन बी इफेक्टेड एज इट इज आपका ऑप्शन था पेपर के अंदर ठीक है एज इट इज ओके जो बेसिकली पॉइंट uh, के अंदर आता है ना एस्टिमेट कमिटी के फंक्शन एनसीआरटी वगैरह में आपको इजिली मिल जाएंगे सेम उन्होंने कॉपी करके वहां पर लगाया था Suggest alternative policies in order to bring out efficiency and economy in administration. Examine whether the money is well laid out within the limits of policy implied in estimates.

तो वो देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिसीज को क्या पैसा ठीक एलोकेट हुआ है अगर नहीं हुआ है तो उसके रिलेटेड सजेशन देंगे ओके टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच आर अब हर स्कीम के लिए बजट के टाइम पर एस्टिमेट्स प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में तो एस्टिमेट्स कमिटी उस प्रेजेंटेशन को कैसे बेटर किया जाता है जा सकता है उससे रिलेटेड सजेशंस भी पास कर सकती है

कोई भी पॉलिसी पार्लियामेंट के अंदर जो आ रही है ये 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 उस पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकती सकती ये बस ये बता है है इसको कैसे इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है। तो ये डायरेक्टली पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं ये एडवाइजरी फॉर्म में रिपोर्ट दे देगी मिनिस्ट्री को लेकिन ये मिनिस्ट्री को फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करो ही करो ओके एवरी ईयर ओनली सर्टन सिलेक्टेड मिनिस्ट्री क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा इनके पास बहुत बड़ा कोई ऑफिस है ठीक तो है, है तो हर साल में ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ही कर पाते हैं तो बेसिकली होता क्या है रोटेशन के साथ चलते हैं कि एक साल में इन दो मिनिस्ट्रीज को कर लिया फिर अगले साल दूसरी दो मिनिस्ट्रीज को कर लिया लेकिन इससे क्या होता है बहुत टाइम लग जाता है और जो पर्पज है वो तो सोल्व नहीं होता फिर जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके पास सीएजी की एक्सपर्ट असिस्टेंस अवेलेबल होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कमेटी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है एंड इसको बोला जाता है कि एक तरह से पोस्टमार्टम नेचर में काम करती है क्योंकि जब सब कुछ हो चुका होता है तब इसको पूछा जाता है कि हाँ भाई इकोनॉमी कैसे इसको एफिशियंट बनाया जा सकता है तो बेसिकली पोस्टमार्टम एक तरीके से नेचर है एस्टिमेट्स कमेटी का ये कई बार क्रिटिसिज्म भी पूछ लेता है यूपीएससी की फॉलोइंग इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ पार्लियमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ये कुछ ऐसे एरियाज हैं पॉलिटी के जो एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ यार इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल्स हो गए डीपीएसपी मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है पीछे अभी हमने कमिटीज देखी वो हो गई आपका शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए जैसे अभी ये जो क्वेश्चन है वो एर्थ शेड्यूल uh, के अंदर अंदर से है पार्ट हो गए जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए किस पार्ट के अंदर क्या है उसके बाद अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है बॉरोइंग्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई हमने कहां से क्या बोरो किया है तो ये तो ऐसे एरियाज हैं जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आना ही आना है तो जब अपने को पता है कि इन एरियाज में से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है उसके बाद अगर, अगर अपन नहीं कर रही है तो फिर तो अपनी कमी है ना देखो अब एट शेड्यूल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके सो यहां पर क्वेश्चन सीधा से पूछा है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो एट्थ शेड्यूल में नहीं आती आतीट्यूशन के अब एक सीरियस कैंडिडेट अगर ये क्वेश्चन नहीं करके आता ना तो फिर मैं डाउट करता हूं कि उसने प्रिपरेशन की है देखो सीधी सी बात है बुरा मानो भला मानो जो भी है मुंह पे बोल रहा हूं मैं अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो प्रिपरेशन फिर वो यही ना बोले आकर के मैं तो पॉलिटी प्रिपेयर करके गया था मेरे से हुआ नहीं ठीक है चलो कमिटी वाले पॉइंट कई बार नहीं भी याद रहते फर्स्ट क्वेश्चन अगर छोड़ दे तो मैं मान लूंगा अगर ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है फिर हम ये लेकर के चलेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा तो पढ़ने वाला था इसने सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर किए लेकिन पॉलिटी नहीं प्रिपेयर किया आंसर पर आपका होगा ऑप्शन बी आपके शेड्यूल के अंदर नहीं है एट्थ शेड्यूल के अंदर टोटल बाईस लैंग्वेजेस आती हैं ओरिजिनली चौदह थी जब एट शेड्यूल बना लेकिन धीरे धीरे विद टाइम ट्वेंटी टू लैंग्वेजेज हो गए अब ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस कौन से कौन से हैं वो याद होने चाहिए आपको असामीस बंगाली टू बंगाली थ्री बोडो फोर डोगरी या जिसको डोंगरी कहते हो फाइव गुजराती सिक्स हिंदी सेवन कन्नड़ एट कश्मीरी नाइन कोंकणी टेन मैथिली इलेवन मलयालम ट्वेल्व मणिपुरी थर्टींथ मराठी एंड फोर्टींथ नेपाली ये चौदह लैंग्वेजेस ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट थी ये चौदह लैंग्वेजेस ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट थी उसके बाद ओडिया पंजाबी संस्कृत संथली सिंधी तमिल तेलुगु एंड उर्दू ये ट्वेंटी टू हो गई टोटल बेटा ये जो मैंने बोला ना कि ये चौदह ये चौदह ओरिजिनल नहीं थी ओरिजिनल कौन सी कौन सी थी वो मैं आपको बताता हूं पहले हम ये देख लेते हैं एडिशन कौन सी कौन सी हुई सिंधी जो है वो ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट से आई नाइनटीन ठीक है सिंधी अमेंडमेंट के साथ आई उसके बाद कोंकनी मणिपुरी और नेपाली ये भी सेवेंटी अमेंडमेंट एक्ट के साथ आई ठीक है जी कोंकणी मणिपुरी और नेपाली तो कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को भी यहां पर अंडरलाइन कर लो कोंकणी मणिपुरी और नेपाली ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कौन सी ऐड हुई बोडो डोंगरी मैथिली और संथली ये नाइंटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड हुई बोडो डोंगरी मैथिली और संथली ओके तो इनको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं बोडो डरी मैथिली एंड संथली वेर ए संथली गाइज इज। ओके सो ये टोटल कितनी हो गई दो प्लस छ आठ लैंग्वेजेज हो गई पहले चौदह थी आठ बाद में ऐड हुई तो क्वेश्चन अगर वो इस तरीके से पूछ लेता है विच ंग दर ओरिजिनली विजिनली इन द एथ शेड्यूल तो वो आपको पता होना चाहिए कि शुरू में चौदह कौन सी थी उसमें असामीज आ गई बेंगाली आ गई गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी मलयालम मराठी और फिर आ गई आपकी ओडिया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगु उर्दू और बाकी की लैंग्वेजेस बाद में ऐड हुई हैं और जो लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं वो उसका अमेंडमेंट एक्ट भी आद, आप याद रखोगे सिंधी ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट से हुई है कोंकनी मणिपुरी नेपाली सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट से हुई है बोदो डोंगरी मैथिली और संतली नाइनटी अमेंडमेंट से हुई है ठीक है

स्पीकर जो होता है इसको न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है तो कई बार क्या होता है स्पीकर uh, जो है इट कैन हिमसेल्फ और हिमसेफेल फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो ओरिजिनली मेंबर थे ओके okay? जिसके टिकट से वो इलेक्ट होकर के लोकसभा या राज्यसभा में आए हैं लोकसभा में आए हैं बेसिकली लोकसभा के स्पीकर की बात हो रही है तो पहली बार ऐसा करने वाले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप अप, अपना पार्टी जो है उससे रिजाइन कर दिया था आफ्टर ही बिकेम द स्पीकर सो ही वॉज एन एस रेड्डी दैट इज नीलम संजीवा रेड्डी तो नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द फर्स्ट पर्सन या आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति भी बने जिन्होंने अपना पार्टी से इस्तीफा दे दिया था वंस ही वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ओके सो इनका अगर हम पॉलिटिकल uh, बैकग्राउंड देखें तो प्रेसिडेंट बने थे आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाइनटीन फिफ्टी वन में एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो बिकेम द चीफ मिनिस्टर जब नया स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश का नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अंदर रेड्डी तीन बार राज्यसभा के मेंबर रहे तीन टर्म्स उन्होंने पर कंप्लीट किए 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में उन्हें स्टील एंड माइन मिनिस्टर बनाया गया मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एविएशन शिपिंग एंड टूरिज्म भी थे वो जब इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी एंड फोर्थ लोकसभा में ही वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर एंड जैसे ही वो स्पीकर बने पहली बार एक एमपी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन किया बिकॉज ही अपॉइंटेड एज स्पीकर एंड ही टू बी न्यूट्रल फर्स्ट मेंबर थे ये पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसी ने स्पीकर बनने के बाद अपनी पार्टी से किया एंड इनके स्पीकर uh, के टाइम पर एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इनके टाइम पर ही पहली बार हाउस के अंदर ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जो है अरेस्ट हुआ था ओके okay? तो ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है टेन यूअर ऑफ विच स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम अरेस्ट वॉज मेड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ओके तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे सो दीज वर द्री क्वेश्चन गाइस जो पॉलिटी में आपसे पूछे गए थे 2020 के अंदर ओके okay? विद दिस वीकम टू द एंड ऑफ द लेक्चर पीडीएफ आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है यू कैन डाउनलोड इट जस्ट नाइनटी नाइन रुपीज हैज बी पेड एंड कोई भी डाउट हो यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड मेल ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय